नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो है बच्चों के लिए, बच्चों की आंतों के लिए। अगर बच्चों की आंतें कमजोर हैं तो क्या दवाई देनी चाहिए। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि जो पेशेंट आते हैं मेरे पास, काफ़ी ऐसा रहता है कि वो बच्चों को लेकर के शिकायत करते हैं कि जी ये 7-8 दिन ठीक रहता है, बट उसके बाद क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। फिर 7-8 दिन ठीक रहता है, उसके बाद इसे उल्टी लग जाती है, यानी डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खिलाते हैं बच्चे को, या फिर क्या है, बच्चा ज़मीन पर खेलता है और मिट्टी जो है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उठा करके मुंह में डाल लेता है जो कि उसके पेट में चली जाती है और वो दिक्कत करती है उसके डाइजेशन को। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है, आप देखिए छोटे बच्चों में जो आप देखिए 6 महीने से लेकर के 1.5 साल के या 2 साल के बच्चों का इतना डर रहता है कि वो कुछ भी उठा कर मुँह में डाल लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं पानी में हाथ डालकर खड़े हो जाएंगे, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है और सारे दिन आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। जेंट्स हैं ड्यूटी चले जाते हैं और जो लेडीज़ हैं खाने पीने, कमरे की सफाई, घर की सफाई उसमें लगी रहती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि भाई आप उसे पकड़ कर बैठ जाएं। अब कंडीशन क्या है कि उसकी स्थिति ऐसी ख़राब हो गई है कि आंतें कमज़ोर हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी मान लीजिए, उससे दिक्कत क्या हो रही है, बार बार दस्त आना, महीने में 2-3 बार दस्त लग जाना, महीने में 2-3 बार उल्टी लग जाना बेवजह, तो ये डर का कारण बनता चला जाता है। पेट में दर्द रहता है, हम सोचते पेट में कीड़े हो चुके हैं, सूखता चला जाता है बच्चा, पनपता नहीं है, हेल्दी नहीं रहता। कहते डॉक्टर साहब 2 साल का हो गया, कमज़ोर है, वजन भी बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करें, देखिए आपको जो दवाई लेनी है वो आप समझ लीजिए, आपको क्या क्या दवाई लेनी है। पहला जो सिरप आएगा वो आएगा पूर्णनवा रिस, ये सिरप आपको लेना है। अब इसकी डोसेज कैसे करनी है ये समझ लीजिए। देखिए अगर आपके बच्चे की उम्र है 0 से लेकर 5 साल के बीच में, 0 से लेकर 5 साल के बीच में अगर एज है, तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में आपको देना है, सुबह शाम 1-1 चम्मच। पानी मिलाना चाहे पानी मिला लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही पिला दीजिए। अगर उम्र है 5 साल से लेकर के 12 साल के बीच में, तब आपको क्या काम करना है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम में, ठीक है, ऐसे लेना है। दूसरा सिरप लेना है आपको लिवामृत सिरप, पतंजलि के स्टोर से आएगा। देखिए जो जांचा हुआ है, परखा हुआ है, पुनर्नवारिष्ट आप वैद्यनाथ का ले लीजिए, पतंजलि का ले लीजिए, झंडू का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, डाबर का ले लीजिए, लेकिन लिवामृत जो आएगा पतंजलि का आएगा। या फिर आपकी नज़र में कोई और अच्छा लिवर का सिरप है आप वो ले सकते हैं, मुझे कोई प्रचार नहीं करना है, लेकिन जो मेरे पास रिजल्ट हैं उनके अनुसार आपको बता रहा हूँ। अगर आप लिवामृत पतंजलि का नहीं लेना चाहते तो जो कोई और लिवर के सिरप हैं, जैसे एम्लिकोडीएस है, वो सिरप मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ, हमेशा जो कमेंट करते हैं ना उसमें मैं बताता हूँ, एक वीडियो मैंने डाली थी मुँह का स्वाद खराब हो जाए, तो मैं हमेशा उसी सिरप को बताता हूँ, आपने कमेंट भी पढ़े होंगे। तो या फिर आप लिवामृत ले लीजिए या एम्लिकोडीएस सिरप ले लीजिए। इसकी मात्रा कैसे करनी है, अगर आपकी उम्र है 0 से 5 साल के बीच में तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में, अगर एज है 5 साल से 12 साल तो इसमें भी 1 ही चम्मच लेनी है, 2 चम्मच नहीं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में आपको लेनी है। नंबर पर जो दवाई लेनी है आखिरी और तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुनर्नवादी मुंडू, ये टैबलेट आती है। तो इसे कैसे लेना है, अगर 0 से 5 साल तक की एज है तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में आपको देनी है, 5 साल से 12 साल है तो भी आपको 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में लेनी है, इसकी मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब छोटे बच्चों को गोली कैसे दें, देखिए 5 से 12 साल तक के तो ले लेंगे, 3-4 साल तक के भी ले लेते हैं, बट जैसे 6 महीने का है या साल भर का, उसे दिक्कत होती है, तो आप उस गोली को पीस लीजिए, उस गोली को पीस करके उसे आप पानी मिला करके उसे आप दे सकते हैं, या फिर उसी सिरप से जैसे पुनर्नवारिष्ट है या लिवामृत है उसे दे सकते हैं। अब इन दवाइयों के बीच में गैप कैसे करना है ये समझ लीजिए, इन तीनों दवाइयों में आपको 15-15 मिनट का अंतर रखना है, ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है कि भैया 1 घंटे बाद दें कहीं दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 15-15 मिनट का इन तीनों दवाइयों में आपको अंतर रखना है। कब तक खानी है ये डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पर कि आप कब से बीमार हैं। अगर आप लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं तो थोड़ा लंबा इलाज होगा, हाल फिलहाल से दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो कम इलाज होगा, लेकिन मेरी माने पूरी तरह से आंतों को फिट रखने के लिए, ज़बरदस्त रिजल्ट के लिए कम से कम आप इसका 6 महीने का कोर्स कराइए। देखिए 2 फायदे होंगे, पहली चीज़ तो वो जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आने वाले समय में भी लीवर इतना मजबूत हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगी उनकी आंतें कि वो कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट करने में दिक्कत महसूस नहीं करेंगे, पेट में कीड़े नहीं होंगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होंगी, दस्त नहीं लगेंगे, उल्टी नहीं लगेंगी, भूख की शिकायत नहीं करेंगे, पेट में दर्द नहीं बताएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इन तीनों दवाइयों का अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं। 6 महीने तक आँख बंद करके कोर्स कराइए, 6 महीने ज़्यादा नहीं है भाई, उससे तो अच्छा है ना कि हर दूसरे महीने दवाई दिलवाएं आप, 6 महीने पक्का करके दवाई खिलाइए। मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्त, हाइट भी अच्छी हो जाएगी, पेट भी सही रहेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से बुखार नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी, आते मजबूत, हष्ट पुष्ट हो जाएगा बच्चा, हेल्थी हो जाएगा, आपको देखने में लगेगा कि हाँ कुछ असर कर रही है दवाई। अगर कोई भी क्वेश्चन फिर भी इससे रिलेटेड पूछना है तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।